दोस्तों, आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस का कम होना या चिकनाई का कम हो जाना आपके जोड़ों के दर्द की समस्या का मुख्य कारण होता है, जिसकी वजह से आपको और भी जोड़ों से संबंधित कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे जैसे जोड़ों के अंदर ग्रीस या चिकनाई कम होता जाता है, वैसे वैसे वहां पे सूजन बढ़ने लगती है। जो हड्डियों के दो सिरे हैं जो मिलकर जोड़ बनाते हैं, उसकी जो कार्टिलेज है वो खराब होने लगती है और मरीज को चलने फिरने में, उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि अगर आपके जोड़ों में ग्रीस या चिकनाई की कमी हो गई है तो उसको कैसे पूरा करें, उसको वापस पूरा करने का कौन सा तरीका है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके कारण क्या है, किन कारणों से जोड़ों के बीच ये ग्रीस कम हो जाता है या चिकनाई कम हो जाती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे जोड़ों के अंदर ये चिकनाई जो है वो कम होती जाती है। आपने देखा होगा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जोड़ों की दर्द की समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। मरीज को चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है, जोड़ों में सूजन आने लगती है। इसीलिए बुजुर्गों के अंदर जो है वो जोड़ों से संबंधित समस्याएं ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ बीमारियाँ भी होती हैं, कुछ दवाइयों के कारण भी होता है, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, या कई बार और भी जैसे कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी थ्री की कमी है, उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है और वहाँ पे जोड़ों के बीच ग्रीस की कमी हो जाती है, जिससे मरीज को जोड़ों के दर्द की समस्या होना शुरू हो जाती है। तीसरा, जो लोग देर तक बैठते हैं, यानी कि जो आराम ज़्यादा करते हैं, जिनका काम ऐसा है कि उनको घंटों घंटों बैठे रहना पड़ता है, उनके जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं होती है, उस केसेस में भी जो जोड़ों के अंदर का ग्रीस है, ये चिकनाई है, वो कम बनता है और जिसकी वजह से धीरे धीरे मरीज को जोड़ों के दर्द की समस्या पैदा होने लगती है। चौथा, इसका बिल्कुल अपोजिट है कि ऐसे लोग जो जोड़ों पे जिनके ज़्यादा दबाव पड़ता है, जैसे वेट लिफ्टिंग लोग करते हैं या बहुत से लोग दौड़ते हैं, वो रफ या टफ सरफेस पे दौड़ते हैं, तो जिसकी वजह से जो दोनों हड्डियाँ होती हैं जोड़ों की, उनमें ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। पाँचवा कारण होता है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं और साथ ही जो बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं। ज़्यादा नॉन वेज खाने से एक्चुअल में यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है और अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से मरीज के जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे जो ये चिकनाई है उसकी कमी होने लगती है। और छठा एक ऐसा कारण है जो आपके पानी पीने की आदत से जुड़ा है। ये देखा गया है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनको जोड़ों के दर्द की समस्या ज़्यादा होती है। आपको जवानी में नहीं पता लगता है, लेकिन जब आप बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं तो ऐसे लोगों में जिन्होंने खड़े होकर ज़्यादा पानी पिया होता है, उनमें जोड़ों की दर्द की समस्या जल्दी पैदा होती है। और सातवां, ओबेसिटी। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपके जोड़ों पर ज़्यादा भार पड़ता है और साथ ही साथ अगर आप डायबिटिक भी हैं तो ये और एक फैक्टर हो जाता है आपके जोड़ों के अंदर सूजन आने का। तो क्या इस कमी को पूरा किया जा सकता है या इस ग्रीस को फिर से बढ़ाया जा सकता है? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एक बार अगर ये ग्रीस कम हो जाता है या जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाती है तो उसको फिर से वापस ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी नेचुरल रेमेडीज अवेलेबल हैं जिससे आप न सिर्फ इस साइनोवियल फ्लूइड को या ग्रीस को वापस ला सकते हैं, बल्कि जो डैमेज्ड कार्टिलेज हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी है वो है अखरोट। अखरोट से आपको कैल्शियम, विटामिन D3, बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं जो आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस को बढ़ाने का काम करते हैं, वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके जोड़ों की जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो धीरे धीरे जाने लगते हैं। क्योंकि ये जितने भी इसके हमने कॉम्पोनेंट्स की बात की, ये किसी भी हड्डी को या जोड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और वहाँ पे ये ग्रीस का प्रोडक्शन भी बढ़ा देते हैं। अगर आप अखरोट खाना शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोज़ाना प्रतिदिन 3 से 4 अखरोट खाने पड़ेंगे। और उसको खाने का भी एक तरीका है, उसके लिए आपको अखरोट की गिरी को निकालना पड़ेगा और उसको शाम को आप एक कटोरी पानी में भिगो के रख देंगे, ओवर नाइट आप उसको भीगने देंगे और सुबह अखरोट की गिरी को निकाल के खाली पेट आप चबा के अच्छे से खा लेंगे। इसको खाने के 10-15 मिनट तक कुछ और ना खाएं, उसके बाद ही आप नाश्ता या बाकी चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर आप ये क्रिया 30 दिन कम से कम कर लेते हैं, 1 महीने अगर आप लगातार 3 से 4 अखरोट खा लेते हैं इस नियम से,
तो डेफिनेटली आपके जोड़ों का दर्द काफी हद तक कम हो जाएगा क्योंकि वहां पे ग्रीस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दोस्तों दूसरी होम रेमेडी होती है नारियल का पानी। नारियल का पानी एक ऐसा पानी है जो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। इसके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी बोन्स के लिए और खास तौर से साइनोवियल फ्लूइड को या जो ग्रीस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको बनाने में काफी हद तक मदद करते हैं। जो नारियल के पानी का मीडियम होता है वो थोड़ा अल्कलाइन होता है और ये आपके शरीर का जो एसिडिक मीडियम है उसको सप्रेस करता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों की जो सूजन है वो काफी हद तक कम हो जाती है और ये साइनोवियल फ्लूइड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और आपको जोड़ों की दर्द की समस्या से काफी हद तक राहत मिलती है। तो आप नारियल पानी भी लगातार कम से कम 1-1.5 महीना एक रोज नारियल पानी पी सकते हैं, जिससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ एक और रेमेडी है, ये यूनानी रेमेडी है। अगर आप इसको इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये सोने पे सुहागा होगा और जो ऊपर जो दोनों चीजें हमने बताई हैं नारियल का पानी और अखरोट, इनकी एफिकेसी और बढ़ जाएगी। तो जो दो टैबलेट आती हैं, एक आती है अश्वगंधा की टैबलेट जिसको हब्बे असगंध के नाम से जानते हैं और दूसरी टैबलेट आती है जिसको हब्बे सुरंजान कहते हैं। इन दोनों दवाइयों का दो दो टैबलेट आप सुबह शाम इस्तेमाल करें लगातार करीब 1-1.5 महीना और आप देखेंगे कि आपको जादुई रिजल्ट मिलेंगे, आपके जोड़ों के दर्द की समस्या जाती रहेगी, वो रफू चक्कर हो जाएगी। इससे आपकी सूजन कम होगी, दर्द भी कम होगा, जो कार्टिलेज डैमेज हो गई थी वो रीग्रो करने लगेगी और साइनोवियल फ्लूइड का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा और ये दोनों जो दवाइयाँ हैं वो नेचुरल सोर्सेज से आती हैं, इसलिए आपको लेने में लगातार खाने में भी इनसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इनका ऐसे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर कर लें इन दवाइयों को शुरू करने से पहले। साथ ही साथ आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर ग्लूकोसामाइन पाया जाता हो। एक्चुअल में जितने सी फूड्स होते हैं जैसे लॉबस्टर है, फिशेज हैं, उन सब में जो है वो ग्लूकोसामाइन की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो ग्लूकोसामाइन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, वो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लूकोसामाइन जो है वो जो कार्टिलेज है जो दो हड्डियों के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है और जो चलते समय घिसती है आपस में, अगर वहाँ पे ग्रीस कम होता है तो उस कार्टिलेज को जो है वो रीग्रो करने में काफ़ी हद तक मदद करता है ग्लूकोसामाइन। तो आप ग्लूकोसामाइन के भी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी पहलू है, आपको अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शहरी पॉपुलेशन में अक्सर विटामिन D3 कम होता है, उनको सनलाइट नहीं मिलती है, सन एक्सपोजर नहीं होता है, तो विटामिन D3 का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो आप कम से कम 1 गिलास दूध रोज पिए। अगर आपको प्योर दूध नहीं मिलता है तो आप कैल्शियम का एक टैबलेट रोज खाएं, कम से कम 1-1.5 महीना खा लें, और साथ ही साथ आप विटामिन डी का एक टैबलेट या कैप्सूल हफ्ते में 1 दिन 6 हफ्ते जरूर खा लें। ऐसा आप साल में 2 बार भी कर सकते हैं, बाकी आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे जाएं कि आपको कितना कमी है और आपको कितना विटामिन D3 की जरूरत है, क्योंकि विटामिन D3 और कैल्शियम भी इस ग्रीस को पैदा करने में, साइनोवियल फ्लूइड को बनाने में और बोन को और हड्डी को मजबूत करने के लिए, कार्टिलेज के ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसकी डेफिशिएंसी भी ना हो इस बात का आप ख्याल रखें। आप अपने आप को जितना हो सके, अगर 1 घंटा रोज आपको सनलाइट एक्सपोजर मिल जाता है तो काफी होता है आपके विटामिन D3 को पूरा करने के लिए। अगर सुबह का सन एक्सपोजर मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, थोड़ी ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, ऐसी कि आपके घुटनों पे या बाकी जोड़ों पे ज़्यादा असर ना पड़े। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे भी आपका जो साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन या ग्रीस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर आप मोटे हैं, आपको ओबेसिटी है तो वजन घटाएं, डायबिटिक है तो ब्लड शुगर कंट्रोल करें। इस सबको करने से आप अपने आप को काफी हद तक इन जोड़ों के दर्द की समस्या से बचा लेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ सीखा होगा। अगर वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, वेरी श्योर अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपने वीडियो को पसंद किया होगा, इसको लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें, तो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।